हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक फन। मैं लगाऊंगा आपका मन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, कल से जो है कि आईपीएल का मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे पहले आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अब आईपीएल में आपको रोज़ाना ड्रीम इलेवन की बहुत ही सेफ टीम और जितने भी मतलब फैंटेसी क्रिकेट होते हैं उनमें लगभग सेफ टीम देने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैच से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको क्लियरली टोटल न्यूज़ प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। और पहला मैच जो स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है आपका कल से, यानी 23 मार्च से, चिदंबरम स्टेडियम चपाक में, चेन्नई और आरसीबी के बीच में। सो गाइस, ये मैच जो है कि चेन्नई और आरसीबी के बीच में होने वाला है, चेन्नई में ही ये मैच होने वाला है। तो लास्ट ईयर आपको पता ही है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है कि ट्रॉफी जीती थी और आरसीबी का कुछ खासा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, लेकिन चेन्नई के सामने आरसीबी का परफॉर्मेंस बहुत ही लो रहा है बिगिनिंग सीजन्स में ही आप देखेंगे तो, और उस हिसाब से चेन्नई के जीतने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एमएम चिदंबरम स्टेडियम में जो है कि चेन्नई ने लगभग 6 मैच जीते हैं, 7 मैच इन लोगों के खिलाफ हुआ है दोनों के बीच में, और इसमें से 6 मैच चेन्नई ने जीते हैं। तो चेन्नई का रिकॉर्ड वहाँ पर बहुत ही अच्छा है और लगभग 80 से 85% चांसेस है कि चेन्नई ही ये मैच जीतेगी। अब अगर इस बात कर लेते हैं प्लेइंग इलेवन के, तो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो आईपीएल में 2019 में जो प्लेइंग इलेवन होने वाला है वो कुछ प्रकार से होने वाला है। टुडे प्लेइंग इलेवन मतलब प्रिडिक्टेड है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि पहला मैच है, इसलिए थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना पड़ रहा है, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो गाइस देखिए, मोइन अली, पार्थिव पटेल, विराट कोहली, एवी डिविलियर्स, हेटमायर, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव, टीम साउदी एंड मोहम्मद सिराज, ये आरसीबी की प्लेइंग इलेवन टुडे हो सकती है, प्रिडिक्टेड है। और गाइस, सीएसके की प्लेइंग इलेवन जो है वो प्रिडिक्टेड ये है कि अंबाती रायडू, शेन वॉटसन, सुरेश रैना, एमएस धोनी, सैम बिलिंग्स, केदार यादव, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, इमरान ताहिर, मोहित शर्मा, दीपक चहर। अब गाइस, टॉप ड्रीम इलेवन की जो पिकअप है आरसीबी और सीएसके के बीच में जिसको आप ले सकते हैं, मतलब टॉप 5 ऐसे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप विराट कोहली को ले सकते हैं, विराट कोहली भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और इनका अभी हाल में जो सीरीज खत्म हुआ है उसमें भी उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की है, और प्लस स्कीपिंग भी इनकी कप्तानी के मामले में भी बहुत सही हैं। तो आरसीबी के कप्तान प्लस इंडिया के भी कप्तान अब रह चुके हैं, तो होम साइड में मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ साथ खेल सकते हैं, और ऐसे भी अभी इस सीजन में बहुत ही अच्छा खेलेंगे क्योंकि इसके जस्ट बाद वर्ल्ड कप ही है। शेन वॉटसन गाइज, इनको तो आप भूल नहीं सकते हैं क्योंकि पिछले साल जब चेन्नई मैच जीती थी तो इनमें शेन वॉटसन का बहुत ही बड़ा योगदान था, मतलब फाइनल तक ले आने में करने में, तो चेन्नई की तरफ से बहुत ही शानदार मतलब प्लेयर अभी तक साबित हुए हैं, और वॉटसन को एकदम आप अपनी टीम में रखें ही रखें क्योंकि वॉटसन सब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर ले चुके हैं लेकिन उसके बाद भी अभी तक लीग्स मैचेस खेलते हैं और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। सैटरडे इवनिंग को मतलब ये आ जाएंगे। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं उमेश यादव की। उमेश यादव बॉलिंग के मामले में बहुत ही सही है बैंगलोर के खिलाफ, बैंगलोर में कम से कम ये बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी करते हैं और इनका बात ही अलग है, मतलब डिसेंट बॉलिंग यूनिट में देखा जाए तो मतलब यादव का परफॉर्मेंस जो है कि बैंगलोर की तरफ से बहुत ही बढ़िया रहा है, मतलब विकेट टेकिंग के मामले में भी यादव बहुत ही अच्छे नंबर पे आते हैं। हेटमायर को रखना, इस हेटमायर भैया बैंगलोर के बहुत ही पावर हिटर बैट्समैन है, एमएस चिन्नास्वामी स्टेडियम में एकदम मिनी लाइक एकदम फाड़ देते हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। वेस्ट इंडीज के हेटमायर हैं, जाहिर सी बात है भाई वेस्ट इंडीज के हेटमायर है तो भाई रन के मामले में कभी सोचते नहीं। और सुरेश रैना, नो डाउट गाइज, सुरेश रैना के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में तो आप जान ही रहे हैं, चेन्नई के लगभग सब मैच में सुरेश रैना खेले ही खेले हैं और बहुत ही अच्छा खेले हैं, और खास करके चपॉक चेन्नई में ही मैच है तो इसमें सुरेश रैना बहुत ही बढ़िया अपना परफॉर्मेंस देंगे। इस हिसाब से गाइस, अब बात कर लेते हैं, अब चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन की, बहुत ही सेफ टीम बनाते हैं, एक या दो 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 टीमें हम लोग बनाएंगे, अभी दो टीमें बनाएंगे और दोनों एकदम सेफ टीमें बनाएंगे, तो उस हिसाब से चलते हैं गाइस अभी ड्रीम इलेवन की सेफ टीम की तरफ। सो देखिए गाइस, सबसे पहले ये ओपन हो रहा है, अब आरसीबी वर्सेस चेन्नई का जो मैच है 32 घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है, तो गाइस चलते हैं इसमें और टीम बनाते हैं। पहली टीम जो बनाना है, अब पहली टीम में आप एमएस धोनी, पार्थिव पटेल में से कोई ये दोनों ही खेलेंगे, अभी हेनरी क्लासन नहीं है और ये भी नहीं है, हेनरी क्लासन नहीं है क्योंकि अभी वो बाहर दूसरी लीग मैच खेल रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, मतलब ये दोनों तो खेलेंगे ही खेलेंगे और ये दोनों अभी नहीं खेलेंगे। तो आप देखिएगा, सबसे पहली जो टीम बनाएगा मतलब स्मॉल लीग के लिए, उसमें आप पार्थिव पटेल को ले लीजिएगा। पार्थिव पटेल को लेने का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि पार्थिव पटेल जो है कि ओपनिंग करने आए हैं बैंगलोर की तरफ से, और ये एक ही विकेट कीपर है बैंगलोर की तरफ से जो आज
मतलब खेलेंगे ही खेलेंगे। और पार्थिव पटेल ओपनिंग करते हैं, उनके बैटिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और ये अगर बैटिंग अच्छा कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट अर्न करके दे सकते हैं। अब बैटिंग के सेक्शन में बात कर लेते हैं, तो बैटिंग के सेक्शन में आप विराट कोहली, शेन वॉटसन और एबी डिविलियर्स को आज अभी आप छोड़ सकते हैं, उनकी जगह पर आप सुरेश रैना को ट्राई कर सकते हैं। और अगर उसके बाद सैम बिलिंग्स को ट्राई कर सकते हैं, सैम बिलिंग्स भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आप सेम बिलिंग्स को ना ट्राई करना चाहें तो सेम बिलिंग्स को हटा के आप एबी डिविलियर्स को इस मैच में ट्राई कर सकते हैं। शुरू के 4 हो गए और इधर से आप हेटमायर को एकदम ले ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल हिटर है। और ये देखिए, हेटमायर को बहुत से लोगों ने ले रखा होगा, 46% लोगों ने ले रखा है। और यहाँ पे शेन वॉटसन को भी मतलब परसेंटेज बहुत ही अच्छा होगा, 80% लोगों ने ले रखा है। एबी डिविलियर्स को तो लगभग 76, और विराट कोहली के 85, और सुरेश रैना भी 80+ ही होने चाहिए, 48% है, चलिए 48% है। और ऑलराउंडर के सेक्शन में अगर बात किया जाए तो ऑलराउंडर में आपको डेन ब्रावो और वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर को लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो चिपक में जो स्टेडियम है वो स्पिनर्स को ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि बैटिंग पीछे तो बैट्समैन आप आराम से 5 ले लीजिए, क्योंकि पावर हिटिंग मैच होने वाला है। और इस मैच में सबसे अच्छी खासियत ये है कि पावर हिटिंग मैच है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें रन हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो हाई स्कोरिंग में जितने यहाँ पर अच्छे और फारू बैट्समैन लेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। और स्पिनर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ड्वेन ब्रावो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। अच्छा, वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग पिछले आईपीएल में भी बहुत अच्छी रही है, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छे विकल्प आपके लिए साबित हो सकते हैं। और उसके साथ साथ बॉलिंग के सेक्शन में अगर बात कर लीजिए, बॉलिंग के सेक्शन में आप योगेंद्र चहल को ले सकते हैं, और उसके साथ उमेश यादव को ले सकते हैं। और उमेश यादव को लेने के बाद गाइज यहाँ पे क्रेडिट का थोड़ा इशू हो रहा है, तो उमेश यादव को हटा करके हमको इमरान ताहिर को परचेज करना होगा। और इमरान ताहिर के बाद आप यहाँ पे मोहित शर्मा को ले सकते हैं। आप देखिए गाइज, बहुत ही अच्छी एक टीम बनी है, बहुत ही सेफ और सिक्योर टीम बनी है एकदम। इस टीम के साथ आप छोटी लीग्स में जा सकते हैं, और इमरान ताहिर को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरान ताहिर का खेलने का जो चांसेस है बहुत थोड़ा मतलब कम लग रहा है, क्योंकि अभी इमरान ताहिर शायद सुनने में आ रहा है कि टीम से नहीं जुड़े हैं, तो आप इमरान ताहिर को हटा सकते हैं। इमरान ताहिर की जगह आप टीम सऊदी को मौका दीजिए, टीम सऊदी आरसीबी की तरफ से खेलेंगे ही खेलेंगे। सो देख लीजिए, ये टीम आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। इसमें चेन्नई के प्लेयर बहुत ही ज़्यादा कम है, बैंगलोर के प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। बैंगलोर के प्लेयर्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि देखिए, चेन्नई का जो है कि हाई स्कोरिंग मैच है, तो जाहिर सी बात है हाई स्कोरिंग मैच मतलब 160+ तो स्कोर जाएगा ही जाएगा, उस चपॉक स्टेडियम का मतलब रिकॉर्ड ही रहा है। अब बैंगलोर के साथ पलड़ा आपको भारी लग रहा होगा, ये एक टीम आप ले सकते हैं और लगा सकते हैं। ये टीम लगाने में बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो सकता है। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं, तो कैप्टन आप विराट कोहली को बना सकते हैं, नहीं तो एबी डिविलियर्स को बना सकते हैं। कंटिन्यू करके अगर आप कैप्टन बनाना चाहते हैं, अगर आप कैप्टन बनाना चाहते हैं तो आप विराट कोहली को कैप्टन बना सकते हैं, तो विराट कोहली को आप कैप्टन बना दीजिए। और वाइस कैप्टन अगर आप बनाना चाहते हैं तो वाइस कैप्टन आप यहाँ पे एबी डिविलियर्स को बना दीजिए। और ये गाइज एक बहुत ही सेफ टीम आपके लिए ये साबित हो चुकी है ये टीम। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम में गाइज आप सबसे पहले आप MS धोनी को ले सकते हैं, जो कि चेन्नई की तरफ से सेफ साइड में बता रहा हूँ। शेन वॉटसन को ले लीजिए, सुरेश रैना को ले लीजिए, अंबाती रायडू को ले सकते हैं। शेन वॉटसन को हटा के आप अंबाती रायडू को ट्राई कर सकते हैं, अंबाती रायडू बहुत अच्छे विकल्प होंगे। उसके साथ साथ सेम बिलिंग्स को ट्राई कीजिए। अब सेम बिलिंग्स के साथ साथ अब आपको यहाँ पे सेफ और विकल्प जो है विराट कोहली बहुत ही सेफ विकल्प है आपके लिए, जो कि खेलेंगे ही खेलेंगे। और अब ऑलराउंडर के सेक्शन में बात किया जाए तो ड्वेन ब्रावो को आप ले लीजिए। ड्वेन ब्रावो के साथ साथ आप मोइन अली भी टीम से जुड़ चुके हैं, तो मोइन अली को ले सकते हैं। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को जरूर लीजिएगा, क्योंकि बॉलिंग स्पिनर पिच है, तो मोइन अली भी खेलेंगे ही खेलेंगे क्योंकि स्पिनर पिच है। तो गाइज ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। आरसीबी की तरफ से आप युवेंद्र चहल को ले सकते हैं। युवेंद्र चहल को अगर आपको नहीं लेने का मन है तो फिर आप यहाँ पे मोहित शर्मा को लीजिए। सबसे पहले मोहित शर्मा स्लो आर्म बॉलिंग बहुत ही अच्छा करते हैं, तो स्लो हैंड बहुत ही अच्छा है। और हिसाब से अगर स्पिनर पिच है तो हरभजन सिंह भी खेल सकते हैं, लेकिन हरभजन सिंह का चांस बहुत ही कम है। तो आप उमेश यादव, उनके तरफ से एक बॉलर ले लीजिए, आरसीबी की तरफ से एक बॉलर उमेश यादव को ले लीजिए। और एक और बॉलर आप ले सकते हैं, तो आप ट्राई करना चाहें तो आप यहाँ पे विकल्प तो आपके पास ढेर सारा है, लेकिन आप टीम सऊदी को भी ट्राई कीजिए, क्योंकि टीम सऊदी आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। सो गाइस, टीम प्रीव्यू कुछ इस तरीके से है। अब इसमें जो है कि चेन्नई का पलड़ा थोड़ा भारी है, चेन्नई के लगभग लगभग सब प्लेयर्स में भी ले चुका हूँ मैं, और जो है वो सेकंड टीम में भी हैं ही। तो देखिए, ये विराट कोहली, मोइन अली, वॉशिंगटन सुंदर, उमेश यादव, टीम साउदी,
टीम सऊदी को हटा के आप युजवेंद्र चहल को भी रख सकते हैं। अगर आप टीम सऊदी को हटाना चाहते हैं तो आप टीम सऊदी को हटा करके युजवेंद्र चहल को रख सकते हैं। टीम सऊदी को अगर आप हटाते हैं तो आप युजवेंद्र चहल को रख सकते हैं। चहल का भी विकल्प आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि स्पिनर स्पीस है, तो उस हिसाब से आप चहल के साथ जाएँ। और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं तो कैप्टन में आपके यहाँ पे सुरेश रैना का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है उस पिच पे, तो आप सुरेश रैना को कैप्टन, और एज अ वाइस कैप्टन अगर आप बनाना चाहते हैं तो वाइस कैप्टन आप यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को बना सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन वाइस कैप्टन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ड्वेन ब्रावो को बना दीजिए क्योंकि स्लो आर्म बॉलिंग भी है, ड्वेन ब्रावो बहुत ही अच्छा करते हैं। सो गाइज़ ये देखिए दोनों टीमें कुछ इस तरीके से हैं। ये मेरी दूसरी टीम है, इसके साथ भी आप जा सकते हैं, बहुत ही सेफ और सिक्योर टीम है। इन लोगों के प्लेयर्स के खेलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और ये मेरी पहली टीम है। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको ये टीम दोनों पसंद आई हो। और इस टीम के साथ आप जो है कि किस लीग में पैसा लगा सकते हैं, देखिए गाइज़ यहाँ पे 49-35 मतलब स्मॉल लीग्स में इसमें टीम्स के साथ पैसा लगा सकते हैं। दोनों टीम को एक ही लीग में डाल के और उसके बाद आप पैसा लगा के अच्छा खासा पॉइंट अर्न कर सकते हैं। सो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों टीमें पसंद आई हो। टीमें पसंद आई तो इस वीडियो को सो गाइस चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड टेक फन को सब्सक्राइब कीजिए और टेक्नोलॉजी का मजा लीजिए क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसी ड्रीम इलेवन की बहुत ही अच्छी टीम लाता रहता हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी।